ये जो भाई बीच में खड़े हैं ना, ये भाई साहब 1.5 साड़ा समझ रहे थे अपने आप को। मतलब आप समझ रहे हैं, 25,000 की ये नौकरी, हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक नया जिला है मानपुर। मानपुर में एक छोटा सा गांव है हिलचुर। इसी माटी में पली बढ़ी जन्मी दो बहनें जो आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में चार चांद लगा रही हैं, आज उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी लेके आया हूँ आप सबके बीच में। आपका दोस्त मैक्स आघा, मोटिवेशनल स्पीकर। आपका नाम है प्रमिला नुरेटी मैम और आपका नाम है पूजा नुरेटी मैम। मैम, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर जी। मेरा पहला सवाल होगा प्रमिला नुरेटी मैम से। मैम, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आएंगे, इसके पहले आप कई सारे प्रोफेशन को आपने चुना, पैसा कमाने के लिए, अमीरी लाने के लिए, गरीबी को भगाने के लिए, लेकिन ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आया, फिर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप आ गई। जी सर जी, ये तो सही बात है सर, क्योंकि मैं बाहर के डेट में अपना परिवार को चलाने के लिए ऐसा बहुत सारा काम किया, लेकिन वहाँ तो कुछ हो नहीं पाया। लेकिन उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे को दिखाई दिया कि काश मैं यहाँ से अपना ज़िंदगी सुधार सकती हूँ और मैं अपना गरीबी को दूर कर सकती हूँ, और ऐसे बेरोजगार भी हैं, मैं उनको रोज़गार भी दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर पूरा विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ ये सब। बहुत सारी समस्याएँ जब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपने कदम रखा, जैसे ही प्रमिला नुरेटी ने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कदम रखा, घर से समस्याएं आनी शुरू हो गई, लोग तरह तरह की बातचीत करने लगे, भाई हो या माँ हो या पिता हो, सब ने तरह तरह की बात इस बहन को कहा, इस बेटी को कहा, और ये बेटी झेलती रही, लगातार अपने काम को अंजाम देती रही। और आज ये जो बहन बगल में खड़ी हैं पूजा नुरेटी, इनकी भी मानसिकता बड़ी भंग थी, बड़ी तितर बितर थी, आज आपके साथ ये खड़ी। हेलो मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सर। आज आपको इस इंडस्ट्री में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बड़ा अनाप शनाप बकती थी बहन को, बड़ा अनाप शनाप कहती थी, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज बहन को शुक्रिया कहती हैं? जी सर, शुक्रिया बोलती हूँ सर। क्या सही में आपको नॉलेज थी जब आप कहती थी कि ये गलत इंडस्ट्री है, फालतू का काम ये बहन कर रही, पता नहीं कहाँ चली गई, कौन सा धंधा करने लगी, उस समय क्या आपको सही नॉलेज थी नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं सर, नहीं पता था सर, मुझे सही नॉलेज नहीं थी सर। आज है सर, नॉलेज है सर। अगर आज मैं आपको कहूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ़ बनाने का धंधा है तो आप क्या कहेंगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। सोच बदल गई? यस सर। अब तो प्रमिला नुरेटी मैम का दिल करता होगा कि इसको बजाएं खींच के अच्छे से, ऐसा लगता है? अभी तो मतलब पहले लगता था सर, लेकिन अभी नहीं लगता है, क्योंकि अभी हम अपने घर में सभी लोग इस काम को कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आपके भाई भी काम को कर रहे हैं? हाँ, बुला लें उनको। यस सर। आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए, स्वागत है आपका। यही है ना वो भाई साहब? हाँ, जो पूरा आ जाइए, बीच में खड़े हो जाइए। ये हैं, देख रहे हैं भैया, ये भाई साहब हैं, इनका नाम है देवा नुरेटी। ये दोनों बहनों के भाई हैं। बहुत अनाप शनाप बकते थे ना? यस सर, ये सही बात है कि मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरे जो दीदी है उनको मैं बहुत गाली दिया करता था। सोचिए आप, बहन को गाली देना कितनी खराब बात है कि नहीं? यस सर, सही बात। आज आपका दिल करता है कि बहन का पैर हमेशा छूता रहूं? यस सर, करता है सर। आज बहन की वजह से इंडस्ट्री आपको मिली है? यस सर, बहन की वजह से ही मिली है सर। आज आपको कैसा फील हो रहा? चलिए, आज इनकी जो भी भूल चूक रही इनको तो आपने माफ कर दिया, आज आपको क्या प्राउड फील हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मेरे पर पूरा विश्वास था कि एक दिन ऐसे मेरे भाई और बहन भी समझेंगे और इस काम को करेंगे, ऐसे मेरे को बहुत मतलब पहले विश्वास था, और मैं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द ही मेरे भाई बहन और मेरे फैमिली वाले समझें और इस काम को स्टार्ट करें, ऐसे सोचती थी सर। बहुत सारे भाई बहन के घर के लोग दो चार ठो नकारात्मक बात क्या कर देते हैं, अपलाइन से कहने लगते हैं, सर मैम मेरे घर से ऐसी ऐसी बातचीत आ रही, मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ के अब जा रहा हूँ। ये बहन टिकी रही और इस बहन को अपने काम पर भरोसा था कि एक दिन यहाँ से पताका लहराऊंगी और मेरे घर के लोग मेरा साथ और सहयोग करेंगे। आज आपका पूरा घर सपोर्ट करता है? जी सर, पूरा घर सपोर्ट करता है, और गांव वाले भी अभी बोलते हैं कि सही है ऐसा करके। पहले तो बहुत सारा मतलब बोलते थे, लेकिन अब मेरे काम को देखने की वजह से अभी नहीं बोलते हैं। आज आपके घर में इसी इंडस्ट्री की ताकत से एक स्कूटी, एक बाइक और अच्छी खासी इनकम आपके घर में जा रही है। आज तो आपका पूरा परिवार हरा भरा, पुष्पित और फलित होगा, क्या पूजा मैम? यस सर। और कहेंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ बनाने का धंधा करती है? नहीं सर, बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है? यस सर। सर आप? सर नेटवर्क मार्केटिंग सभी के लिए अच्छा है सर। अच्छा, आज आपके उसी हिलचुर गांव के बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आपको, अगर वो भी चाहें आपके साथ जुड़ना चाहें, आपके साथ बिजनेस करना चाहें, कर सकते हैं?
हाँ कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा मतलब अभी तो शायद ही नहीं भी बताए हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग पूछेंगे तो हम बिल्कुल ही अपना काम को बताएंगे सर। अब तो आपके पास फोन आने वाला है कि बहन मुझे भी अपने साथ लाओ ना, मुझे भी इस इंडस्ट्री में आना है, देखना है, जानना है। आपको अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन रही जाने दीजिए, नॉलेज अगर लेना है तो मैम के साथ जुड़िए। ये भाई बहन सब लोग मिलकर के आज इस इंडस्ट्री को कर नहीं बल्कि जी रहे हैं, कैसा महसूस होता है आप सबको, कैसा लगता है? सर आज बहुत प्राउड फील होता है कि हम एक बहुत अच्छे इंडस्ट्री में आए हैं। देखिए ये जो भाई बीच में खड़े हैं ना, ये भाई साहब डेढ़ साढ़ा समझ रहे थे अपने आप को, मतलब आप समझ रहे हैं 25,000 की ये नौकरी कर रहे थे तो इनको लगा एको हम दूसरो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, आज इनकी सारी हेकड़ी निकल गई और आज बहनों के साथ लग करके डाउनलाइन बन करके नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, सही कह रहा हूँ? यस सर। तो देखिए भैया, अच्छा अब मैं और भी बाकी लोगों से मिलाना चाहूँगा, बाकी आज मैं यहाँ पे बहुत सारी लीडिंग लेडी के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ और मानपुर की धरती पे मेरा सौभाग्य है, और सबसे ज़्यादा तो सौभाग्य मैं थैंक्स कहना चाहूँगा पुष्पा ठाकुर मैम का। मैम आप भी आ जाएं, आपका भी मैं स्वागत कर लूँ इसी फहरिस्त में, क्योंकि आपने बुलाया और कल का दिन पूरा चला गया सफ़र में, आइए मैम यहाँ आ जाइए। तो देखिए मैम ये 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 हैं सर वो सुपर लेडी जिनकी ताकत से आज ये पूरी टीम खड़ी हो पाई है, और इनकी टीम के और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी बुलाना चाहूँगा। एक बार सभी लोग आ जाइए प्लीज़, सभी लोग आ जाइए। तो मैम मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री को आप समझें, और समझ के न सिर्फ आप अपने लिए काम की बल्कि अपने लोगों के लिए काम किया, आज हुजूम लगा दिया। थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो और सब लोग आ जाएंगे। तो मैम मैं आपको आज इस कैमरे के सामने सोशल मीडिया के समक्ष आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, और ऐसी नारी शक्ति से मैं मिलना चाहता हूँ भाई, मैं नारी शक्ति के लिए काम करना चाहता हूँ। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आज नारी शक्ति पीछे नहीं है, क्या आप सब पीछे हैं? लेकिन पुरुष प्रधान भी हमेशा आगे हैं। जी मैम क्या कहना चाहती हूँ? राघव भैया आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपने जो है इतना दूर दराज हमारे बीच में आकर के जो है आज नारी शक्ति का बहुत बहुत सम्मान और संबोधन के साथ में हमारा इंट्रो करा रहे हैं। बाकी हम यही चाहेंगे कि हर लोग हमारा साथ दे, सपोर्ट करे, और एक एक लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझे, सीखे, और जरूर आप सभी लोग अपना सपने, अपना ड्रीम, अपना जो है विदेश यात्राएं के लिए जरूर नेटवर्क मार्केटिंग का एक बार एंजॉय करें। बाकी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखा भैया छत्तीसगढ़ की धरती पे बहुत पोटेंशियल है, बहुत ताकत है, मातृशक्ति नारी शक्ति में बहुत ताकत है, और ऐसी नारी शक्ति से मिलना चाहता हूँ। आप किसी भी हिंदुस्तान के कोने से हैं, आप चूल्हा चौका की दुनिया में, किसी दुनिया में अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो जरूर संपर्क करें, आऊँगा आपसे मिलने के लिए। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, आपके घर तक चल करके आऊँगा और आपकी ज़िंदगी में महती भूमिका अदा कर जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।